हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सनस्क्रीन लोशन बनाएंगे। सनस्क्रीन लोशन बनाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए टी ट्री ऑयल। तो ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो इसकी दो तीन ड्रॉप्स डालिए, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हो, यानी ऑप्शनल है ये। और फिर जो सनस्क्रीन लोशन है तो उसका मेन इंग्रेडिएंट हमारा बादाम का तेल है और ये एलोवेरा है। तो ये दोनों ही नेचुरल जो है सनस्क्रीन लोशन है। जो सनस्क्रीन लोशन की प्रॉपर्टीज है तो वो पूरी इसमें है। तो जैसे हमारी स्किन टैन वगैरह होती है तो ये इससे निकल जाता है, इससे और बादाम तेल से मिक्स करने से। तो इसका लोशन हम बनाएंगे। तो मैंने ये ताजा लिया है घर का, और ये जो है ये पीला पीला दिख रहा है तो ये हम निकाल देंगे, अवॉइड करें इसको, नहीं लेंगे हम। और फिर जैसे ये कांटे है तो कांटे निकाल देंगे। तो ये जो सनस्क्रीन लोशन है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप रोज लगाएंगे इसे तो आप देखेंगे कि पूरी टैनिंग निकल जाती है इससे। तो और कोई भी होम रेमेडीज रहती है गाइस तो वो एक दिन में असर नहीं करती है, क्योंकि सभी जितने भी सॉल्यूशन रहते हैं, रेडीमेड हो या फिर केमिकल हो, कुछ भी हो, तो वो एक दिन में असर नहीं करते। जो एक दिन में हमें हमारी स्किन फेयर करते हैं या कुछ भी जैसे कोई इफेक्ट दिखाते हैं तो उसमें ब्लीच वगैरह रहता है इसकी वजह से। अदरवाइज वो नेचुरल क्रीम और हेल्दी क्रीम नहीं रहती है, हेल्दी सॉल्यूशन नहीं रहता है, लोशन नहीं रहता है, क्योंकि वो समय लेते हैं। तो गाइड दिया ऐसे करके हमें ये निकालना है। और जैसे कि ये हम सॉल्यूशन बनाकर रखेंगे तो ऑयल को तो प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं रहती, ऑयल रहता है तो। लेकिन जैसे ये है तो इसको प्रिजर्वेटिव की जरूरत रहेगी, क्योंकि ये हर्ब है तो इसको प्रिजर्वेटिव की जरूरत रहेगी। तो तेल डालने के बाद हम ऑर्गेन ऑयल डालेंगे, फिर उसमें और इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसमें प्रिजर्वेटिव रहता हो। तो हम तो मैं वो बाद में डालूंगी और बाद में बताऊंगी, फिलहाल अभी हम इतना कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमें पूरा पल्प निकालना है एलोवेरा का। तो गाइज हमने ये पल्प निकाल लिया है, अभी हम इसको मिक्सी में घुमाएंगे। तो ये मिक्सी में घुमाने से पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, अभी सॉलिड दिखता है थोड़ा, तो ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो गाइज जैसे कि ऐसे अभी लिक्विड फॉर्म में बन गया है, तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बादाम का ऑयल। अगर आपको ज्यादा ऑयली नहीं चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हो। तो ये मैंने ये डाल दिया 2 टेबल स्पून। और फिर मैं इसमें टी ट्री ऑयल डालूंगी। और गाइस ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बनता है सनस्क्रीन लोशन, और मैंने 3-4 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के डाले हैं। जैसे कि हमने इसमें बादाम का तेल डाला है और टी ट्री ऑयल डाला है, तो ये हमारे पास गुलाबरी का रोज ग्लो फेस क्लींजर है। तो जैसे कि हमारा ये एलोवेरा है तो एलोवेरा प्रिजर्वेटिव यानी वो हर्ब है, तो वो कच्चा रहेगा, बाहर वगैरह हम रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, उसमें फंगस चढ़ेगा। तो और वैसे भी और यही है तो इसमें प्रिजर्वेटिव रहता है, क्योंकि ये रोज वाटर तो है लेकिन ये प्रिजर्वेटिव भी रहता है, नहीं तो बाहर वो फंगस चढ़ता है बिना प्रिजर्वेटिव के। तो इसीलिए फिर हम लोग ये डालेंगे गुलाब जल। तो अब ये प्रिजर्वेटिव तो ये भी हम बाहर रख सकते हैं, लेकिन हम रिक्स नहीं लेंगे क्योंकि हम स्किन पे लगा रहे हैं। तो अभी इसको अच्छे से मिलाएंगे और फिर यही बॉटल में डाल देंगे इसको।
हम इसको बाहर नहीं रखेंगे, हम इसको फ्रिज में रखेंगे और फिर हम इसको ऑल ओवर बॉडी पे लगा सकते हैं। देखिए, नहाने के पहले भी लगा सकते हैं, नहाने के बाद भी। और कहीं हम जाते हैं जैसे बाहर, तो हम कोई ऑयली स्किन लगाते हैं तो ये थोड़ा ऑयली दिखता है और ऐसा लगता है हमने रियली में कोई सनस्क्रीन लोशन लगाया है, सनस्क्रीन क्रीम लगाई है। क्योंकि जब भी हम सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी सी चमकती है ऐसे व्हाइट से, उसमें अभ्रक दिखता है उसके ऊपर, स्किन के ऊपर, तो वैसे ही इसमें भी दिखता है। तो गाइज, आपको मेरी ये रेमेडी, होम रेमेडी कैसी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जैसे कि देखिए, मैंने ये अभी लगाया है तो स्किन हमारी पूरी इसको एब्सॉर्ब कर गई है। देखिए, ये लग रहा है ना, कोई हमने सॉल्यूशन लगाया अच्छा वाला, ऑयली भी नहीं लग रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप भी ट्राई कीजिए।